Welcome to Shaz Faryal YouTube channel. Please like and subscribe my channel and click the bell icon to get new video updates. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. आज की इस मज़ेदार रेसिपी का नाम ब्लैक पेपर चिकन है. ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और नहायत ही डिलीशियस होती है. इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया और उसको 1 चम्मच घी डालकर चिकन को उसमें डालकर रख दिया भूनने के लिए और उसमें नमक डाल दिया. नमक से ये होता है कि चिकन जो है जल्दी गल जाता है. अब ये हम ढक के थोड़ी देर रख देंगे तो ये अपने ही पानी में चिकन जो है गलना शुरू हो जाएगा. अगर आपने सॉफ़्ट चिकन रखना है कि अंदर तक वो जूसी और सॉफ़्ट रहे तो हमेशा हल्की आग पर उसको गलने दिया करें. इससे बहुत अच्छा चिकन अंदर तक टेंडराइज हो जाता है. अब दोबारा से हम इसको देखेंगे. काफ़ी हद तक हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है और ये काफ़ी हद तक गल भी गया है. अभी मज़ीद ये और गलेगा. अब फिर हमने 5-7 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया और ये अपने ही रस में बहुत अच्छी तरह गल रहा है. देखें कितना अच्छा गल चुका है चिकन. हमने चूँकि लेग पीस ली हुई थी ये तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती हैं तो इसलिए काफ़ी अच्छा गला हुआ है ये. अब इसका मेन इंग्रेडिएंट है बटर. वो हमने इसमें डाल दिया, एक पूरा पैक डाल दिया. अगर आप चाहते हैं कि आपका बटर जो है आपका कड़वा ना हो तो उसके लिए आप हमेशा इसको लो हीट पे बटर डालें और उसकी लो हीट ही रखें. इससे हमारा बटर कड़वा नहीं होता. अब हमने फ्रेश लेना गार्लिक और उसको कूट कर क्रश करके फ्रेश गार्लिक डालना है. इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें और इसको भूनेंगे साथ साथ. अब इसमें हम ग्रीन चिलीज 2 डाल देंगे और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर वो अब क्रश कीवी डालेंगे. क्रश कीवी से इसका फ्लेवर ही अच्छा आएगा, पिसी हुई से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा. इसलिए आपने क्रश चिली ही डालनी है. अब इसको साथ साथ भूनते रहेंगे. और अब एक और मेन चीज़ भुनी हुई सूखी मेथी ये डालेंगे. इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. आपने सूखी मेथी को तवे पे डाल के भून लेना है और फिर उसको क्रश करके इसमें डालना है. आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा हो जाएगा और मेथी की खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाएगी. अच्छा ये भी इसके साथ देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया चिकन का. भूनते रहेंगे इसको इसके साथ. और अब आखिर में इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट, 1/2 किलो हमने दही लिया, उसको अच्छी तरह फेंटा. दही बहुत अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए, कोई लम्स ना उसमें. वो हम इसमें डालेंगे और अब इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन के साथ. और ये अब हमारी देखें चिकन की कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है चिकन की. और दही इसके साथ अब पकना शुरू हो गया है चिकन के साथ. इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जिंजर जुलियन कट में वो डालेंगे. कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह. ये ऑलमोस्ट हमारी ब्लैक पेपर चिकन तैयार हो चुकी है. नहायत मज़ेदार, जूसी, टेंडर. देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है. ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी. और अब ये रेडी टू सर्व है. और इसके ऊपर फिर ऊपर से अपनी क्रश ब्लैक पेपर डाल दिया, थोड़ा सा मक्खन डाल दिया. और ये देखें ये देखने में कितना खुशनुमा लग